हेलो भाइयों, कैसे हो। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एनिमी की दुनिया से आने वाली एक और बेहतरीन वेब सीरीज जो कि 2021 में ही आई है, जिसका नाम है तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो लगा दे भाई। ये कहानी बेस्ड है मार्क ग्रेसन नाम के एक टीनेज लड़के पे जो कि है अपना इनविंसिबल और जिसके पापा है ओमनीमैन, सुपरमैन की कॉपी कर लो। अब ग्रेसन 7 साल का रहता है तब उसके पापा रिवील करते हैं, उसको बताते हैं कि वो कौन है और कहां से आए हैं और आगे जाके उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। जब शुरुआत में आप ये वेब सीरीज देखोगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगेगी जस्टिस लीग से, लेकिन जैसे जैसे आप इस वेब सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ में आते जाएगा कि किसी भी सुपर हीरो वेब सीरीज के मुकाबले ये वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड वेब सीरीज है। मतलब अगर आपने इसे एक बार देखना शुरू कर दिया तो खत्म करके ही मानोगे। इसके प्रोडक्शन हाउस ने 19 जून 2018 में ही इस वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया था, लेकिन आते आते इसे 2021 हो गया। और ये वेब सीरीज बेस्ड है सेम नेम के कॉमिक के ऊपर इनविंसिबल, जो कि 2003 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। और इसे क्रिएट किया है रॉबर्ट कॉकमैन जैसे कमाल के क्रिएटर ने, जिन्होंने द वॉकिंग डेड जैसी वेब सीरीज भी क्रिएट की है। यहाँ तक कि वॉकिंग डेड के काफी सारे कैरेक्टर भी इस वेब सीरीज में कास्ट हुए हैं। वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर मार्क ग्रेसन यानी कि अपना इनविंसिबल को आवाज़ दिया स्टीफन येन ने, जो कि वॉकिंग डेड में ग्लेन का रोल प्ले करते हैं। इस वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर यानी कि अपना इनविंसिबल हाफ ह्यूमन और हाफ एलियन होता है। ओमनीमैन इनविंसिबल को बताते हैं कि वो एक विल्टरमाइट नाम के प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे उनके सारे ढेरों और भी लोग हैं और वो सारे ओमनीमैन के तरह ही अलग अलग प्लैनेट्स पे फैले हुए हैं अलग अलग थ्रेट से उन प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओमनीमैन अर्थ पे आता है तो यहाँ वो मिलता है डेबरा नाम की लड़की से, जिससे उसे प्यार हो जाता है और वो अर्थ पे ही रुक जाता है। और जब इस वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है तो ओमनीमैन इस अर्थ पे ऑलरेडी 20 साल गुजार चुका होता है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी विल्टरमाइट्स हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनकी पावर भी साथ ही साथ बढ़ते जाती है। मतलब हमारा इनविंसिबल आगे जाके और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है इनकी एजिंग भी स्लो होती जाती है, मतलब इनकी लाइफ ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। और इनविंसिबल अभी सिर्फ 17 साल का है और एक कॉलेज स्टूडेंट है, और अभी वो सब चीज़ डिस्कवर ही कर रहा है कि कैसे वो अपने पावरों को संभाले, और उसके फादर ओमनीमैन इस चीज़ में उसकी हेल्प कर रहे हैं। इस वेब सीरीज में एक सीन है जहाँ पे इनविंसिबल काफ़ी एफर्ट लगा के एक इंसान की जान बचाता है, और इस वेब सीरीज का विलेन अगले ही पल उस आदमी का स्कल क्रश कर देता है बस एक हाथ से अपना एक पॉइंट प्रूव करने के लिए। ये जो सीन है ना यहाँ पे, ये कितना ज़्यादा शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग है, जब आप ये सीन देखोगे तभी समझोगे। इस सीन के बाद इस वेब सीरीज के विलन का मोटिवेशन एकदम क्लियर हो जाता है इनविंसिबल के सामने। और इस वेब सीरीज में ऐसे ढेर सारे शॉकिंग मोमेंट भरे पड़े हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो जाओ बस इसका फर्स्ट एपिसोड देख लो। और इस वेब सीरीज में जिस तरह की एक्शन और ब्रूटैलिटी दिखाई गई है ना, मुझे काफ़ी पसंद आई वो, और खास करके इसकी स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपका इंटरेस्ट इसमें और भी बढ़ता जाता है। देखो ये वेब सीरीज आर रेटेड तो है, लेकिन आप इसे अपने फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो, बस आपको नेक्स्ट लेवल वायलेंस बर्दाश्त करना होगा। मेरे ख्याल में तो आप इसे बच्चों से दूर ही रखना। और ये एक ऐसी वेब सीरीज है जब ये खत्म होगा तो आपको मन करेगा कि इसका अगला सीजन तुरंत से तुरंत देखें। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसका सीजन 2 आएगा। सीजन 2 ही नहीं, सीजन 3 भी आएगा। इसकी अनाउंसमेंट 29 अप्रैल 2021 में हो चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली इसका अगला सीजन आपको नेक्स्ट ईयर देखने मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, आपको काफ़ी मजा आएगा। और ये वेब सीरीज देखने के बाद आपको एक चीज़ तो पक्का क्लियर हो जाएगी कि एनिमेस केवल बच्चों के लिए नहीं होते हैं। और अगर आपने इसे देखने का मन बना लिया है तो ये अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है और इसे आप अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बस आपको थोड़ा वायलेंस बर्दाश्त करना होगा। और ये वेब सीरीज अभी सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी डब नहीं आया है इसका, लेकिन होप फ्यूचर में आ जाए। और मैं जल्द ही इस वेब सीरीज के कैरेक्टर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि इस वेब सीरीज के कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आगे ढेर सारे ऐसे और भी कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए ऐसे कॉन्टेंट लाता रहूँगा। और अगर आपने ये वेब सीरीज पहले से देख रखी है तो अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई और मूवी या वेब सीरीज देखनी है तो मैंने उसके लिए भी लिस्ट बना रखी है, अगर आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।